हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल उत्तराखंड ब्लॉगर भावना भट्ट में। और आप सोच रहे होंगे क्यों मैं इस तरीके से अपने बाल फैला के बैठी हूँ। तो मैं आज कर रही हूँ अपने बालों को स्ट्रेट, और स्ट्रेट कर रही हूँ मैं स्ट्रेटनर से, कोई मतलब रिमाउंडिंग और स्मूदिंग नहीं कर रही हूँ, अपने हाथ से कर रही हूँ। मुझे सीधे बालों का शौक है तो मैंने सोचा आज मैं अपने बाल सीधे कर लेती हूँ। और आज है 1 मार्च और टाइम हो रहा है 12:10 बजे, 12:10 हुए हैं बिंदी निकल से जा रही मेरी। तो मैंने ये नेल पेंट लगाई हुई है, कैसी लग रही है? और आज मेरे भांजे का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे लव। तो आप सब लोग भी उसके बर्थडे विश करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जिससे मैं कर रही हूँ, इतने इतने मैंने स्टेट भी कर लिए हैं, तब मुझे याद आई कि मैं क्यों ना अपनी वीडियो में दिखाऊं। तो ये है किप्स कंपनी का स्ट्रेटनर है ये, तो मैंने गर्म करने के लिए लगा लिया है। जिन बालों को मैंने स्ट्रेट कर लिया है उनको एक बार फिर से कर लेती हूँ। तो पहले मैंने क्या करा था, कंघी की मदद से अपने बालों को थोड़े बाल ले लिए थे, इनको इस तरीके से कर लिया था। और इसमें से भी मैंने 2 पार्ट करे हुए थे, इतने बाल मैंने पहले सीधे करे, फिर इतने दोनों मिला के इतने हो गए हैं। तो फिर मैं अब ये हो चुके हैं अच्छी तरीके से, तो मैं इनको एक बार और कर रही हूँ और भी अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से करना है, और ध्यान रहे कि बाल गीले ना हो। गीले बाल करने से ड्रायर स्ट्रेटनर को तो कुछ नहीं होगा, पर जो हमारे बाल हैं वो खराब हो जाएंगे। और एक बात, और बार बार बालों को स्ट्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नेचुरल चीज है वो तो नेचुरल ही रहेगी। क्योंकि ये क्या करता है बालों को, आई थिंक जला देता है, मुझे पूरा तो कंफर्म पता नहीं है। क्योंकि जब बाल जल रहे हैं इसमें से धुआं सा निकल रहा है, जब भी बालों को मैं स्ट्रेट कर रही हूँ तो मैं इनको पूरा कर लेती हूँ। और आप लोग देखते रहिए, तो ये जब हो जाएंगे तो मैं इनको इस तरफ को कर लूंगी, यूं यहाँ को कर लूंगी, और यहाँ से मैं नए बाल ले लेती हूँ। तो मैं अब इतने हो गए हैं, थोड़े इतने इतने बाल और ले लेती हूँ। तो घर पे ही अपने बालों को स्ट्रेट करने का ये तरीका है, आप लोग भी आजमा सकते हैं ये तरीका, पार्लर में ना जाके अपने पैसे बचा के। जिस तरीके से आप मेहंदी लगाते हैं ना, उस तरीके से थोड़े 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 बालों को करके, तो इस तरीके से बाल ले रहे हैं। और मैं तो किसी से हेल्प भी नहीं करवा रही, अपने हाथ से अपने बाल सीधे कर रही हूँ। अब आप ही देखिए फर्क, ये हैं स्ट्रेट करे हुए बाल और ये बिना स्ट्रेट करे बाल। इन दोनों की बालों की साइनिंग में भी फर्क है, ये देखिए और ये देखिए ये। तो मैं ऐसे इस तरीके से पूरे बालों को कर लेती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम हमेशा किसी के साथ रहे, कभी हम अकेले भी हो सकते, तो अपने अपने हाथ से कैसे हम करेंगे। तो ये तरीका है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं पूरे पूरे बालों को कर लेती हूँ, फिर आप मैं करते रहती हूँ, तो आप देखते रहिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके बालों को सीधा कर रही हूँ। और जिस दिन मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन है मंगलवार, तो अभी तक मेरे बाल बिल्कुल सीधे हैं क्योंकि मैंने इन्हें धोया हुआ नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से हो गए थे अपने ही हाथों से। तो पूरे तो मैंने ऐसे थोड़े थोड़े बाल लेके, आप जिस तरीके से मेहंदी लगाते हैं और जिस तरीके से आपको ठीक लगे करने में, तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से लेके करना, ज़्यादा इकट्ठे करेंगे तो उसमें नहीं आएंगे और अच्छे से हो भी नहीं पाएंगे। तो मैंने बीच के बाल करना बताया था, तो ये मैंने बालों को ऐसे उठा लिया था ऊपर को करके, और फिर इसके बाद चेहरे आगे से मुंह पर डाल लिया था, इस तरीके से करे थे। इसके जो पीछे के थोड़े नीचे के बाल होते हैं उनको भी इस तरीके से किया था, तो बाल बहुत अच्छी तरीके से हो गए थे। और जहाँ पे मुझे लग रहा था कि बाल नहीं मतलब मुड़े हुए हैं, ठीक से नहीं हुए हैं, वहाँ पर मैंने फिर से हल्का हल्का सा फिर से करते जा रही थी। यहाँ पर मैं देखती जा रही थी शीशे में देख के कि मेरे बाल हाँ यहाँ पर नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर मैंने हल्का हल्का फिर से कर लिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से हो गए, ऐसे कुछ वो नहीं हुआ। थोड़ा सा हाथ में दर्द हो रहा था क्योंकि अब 1-1.5 घंटे तक हम लगे रहेंगे तो हाथ में दर्द तो होगा ही। और
थोड़ा सा मैंने अपने के लिए समय निकाल लिया था, और तो निकालना भी खैर चाहिए देखिए, हर किसी इंसान की को। इच्छाओं का अंत नहीं होता है कभी भी। तो मैं जब वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, मुझे लग रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं, अगर हमारे पास एक चीज़ पूरी हो जाती है हम दूसरी चीज़ ही करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास होती है हम उससे विपरीत चीज़ की इच्छा करते हैं। तो ये चीज़ रहता है इंसान के साथ। और यहाँ पर देखिए मेरे बाल हो चुके हैं सीधे, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बता फ्रेंड प्लीज, कैसे लग रहे हो सीधे करके जरूर कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो ये देखिए कुछ समय अपने के लिए भी निकालना चाहिए, तो आज मैंने निकाल लिया है, आप लोग भी जरूर निकालिए अपने के लिए समय, कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। और मैंने सोचा है कि होली के बाद मैं अपना फेशियल करूंगी, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक शौक मेरा पूरा हो गया है, ये देखिए अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा है इन बालों को स्मूथिंग या रिबॉन्डिंग कराने की, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना स्मूथिंग अच्छी है या रिबॉन्डिंग अच्छी है। तो वो मैं अपने बालों में कराऊंगी, तो सोचा है ना जाने कब कराऊंगी, सोचा तो है। तो एक शौक तो आज तो मैंने एक अपना शौक पूरा कर लिया है, और इन्हें मैं लंबे समय तक धोने वाली नहीं हूँ, 3 या 4 दिन तक का। तो चलिए फिर, वो मेरे बाल सीधे हो गए हैं, तो आप लोग के भी जिसके ऐसे हैं तो जरूर सीधे करना, ज्यादा खुशी हो गई, मैं एक्साइटेड हो गई ज्यादा अपने बाल सीधे करके। तो बीच की मांग निकालूंगी, बीच की मांग निकाल के अच्छा लगता है, आज मैंने साड़ी पहनी होती कितना अच्छा होता, कोई बात नहीं। और अब मैं बनाती हूँ अपने के लिए खाना, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो फ्रेंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें कि आपकी जो प्यारी सी भावना है वो जल्दी जल्दी आगे चले जाए और मेरा चैनल मोनो हो जाए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा फ्रेंड, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिए, व्यूज बढ़ाइए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो और लोगों को भी आप प्यार देते हो, प्लीज थोड़ा थोड़ा प्यार मुझे भी दीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।